नवरात्र स्पेशल थाली में है व्रत वाले पुलाव, चटपटी आलू की सब्जी और दिल को खुश कर देने वाला फ्रूट रायता, साथ ही चटपटी हरी चटनी और चटपटी शकरकंदी चाट और साबुदाना के वड़ा को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। साथ ही हम बनाएंगे व्रत वाली पूड़ियाँ यानी सिंघाड़े की पूड़ी। तो आप भी इस व्रत वाली थाली की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की ये हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली की रेसिपी शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आशी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सब्जी। तो पैन को गर्म कर लें और 2 बड़े चम्मच इसमें घी डाल दें। घी की जगह पे आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म होगा तो हम 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लें घी में। हल्का सा ये फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलू को उबाल के इस तरह से काट लें। व्रत की सब्जी घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए आलू को और जो हमने हल्दी लाल मिर्च डाला है उसे हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कच्चापन निकल गया है मसालों का और आलू भी थोड़े से फ्राई हो गए हैं। फिर हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे व्रत वाला, तो सेंधा नमक डाल दें और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप व्रत में जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो हटा सकते हैं। इसे हम अच्छे से ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पक जाने देंगे। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं तो हम देख लेंगे अपनी सब्ज़ी। यहाँ पे हमारे आलू वगैरह जो हैं अच्छे से पक गए हैं। वैसे तो उबले हुए थे, ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम कुछ आलू को मैश कर देंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो रिच हो जाए। तो इसे हम थोड़े से आलू को मैं मैश कर देती हूँ। मैश करने से जो सब्ज़ी है ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे, तो मैं 1/2 नींबू निचोड़ देती हूँ। अगर आप खाते हैं नींबू तो आप डाल सकते हैं। नींबू डालने से सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो नींबू उतना ही डालें जितना खट्टा आप खाते हैं। 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, तो हरा धनिया से भी टेस्ट अच्छा आता है। सब्ज़ी हमारी तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे हमारे व्रत वाले चावल यानी पुलाव। हम एक पैन में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल या घी। तो व्रत में नॉर्मल राइस तो नहीं खाए जाते हैं, इस तरह के चावल आते हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे और बारीक होते हैं। इसे समा राइस भी बोलते हैं। अगर आप व्रत वाले चावल बोलेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसे हम अच्छे से धो लेंगे और यहाँ पर तेल अच्छे से अभी गर्म है तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ये कच्चा आलू। तो 1 मीडियम साइज़ के आलू को पतला काट लें। आलू डाला है तो इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इसे कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें तेल में। आलू को आप पतला काटेंगे तो जल्दी सॉफ्ट होगा, तो आलू को मोटा ना काट के पतला ही काटें। इसे मैंने 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे। तो ये व्रत वाले राइस डाल दें इसमें। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। तो इसे कुछ सेकंड के लिए मैं ऐसे ही भून लेती हूँ ताकि जो चावल हैं बाद में हमारे खिले खिले रहें। तो चावल को मैंने हल्का सा तेल में अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको पका लेंगे। तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। तो मैंने 1/2 कप चावल के लिए इसमें 1 कप पानी यूज़ किया है। ये मेज़रमेंट परफेक्ट होता है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर सेंधा नमक डाल दें 1/2 छोटा चम्मच। इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके हम पका लेंगे। तो इसका ढक्कन अच्छे से हम बंद कर देंगे। तो इसका लिड लगा दें और इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पक जाने देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी पानी था एब्जॉर्ब हो गया है और हमारे जो चावल हैं वो पके हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर हाथ से हल्का सा तोड़कर चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स नींबू की, तो इसे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और चावल भी हमारे और खिले खिले हो जाएंगे। साथ ही इसमें हरा धनिया डाल देंगे 1/4 कप। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को हमने ऑफ कर ही दिया है, तो इसे एक बार मिक्स कर दें और इसे हम ढक के रख देंगे। पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं तो इस पुलाव में ना डालें। तो इसे हम कवर करके रख देंगे। अब हम बनाएंगे शकरकंद की चाट। तो एक बड़ा चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। मैंने गैस को ऑन कर रखा है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की शकरकंदी ली है, जिसे मैंने उबाल के इसका छिलका निकाल दिया है। तो घी में हमने इसको डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे और इसे मैश करते हुए मिक्स करें। इस तरह से आप देख सकते हैं इस टाइम पे शकरकंदी सॉफ्ट हो रखी है, उबली हुई है। तो इसे हम मैश कर लेंगे इस तरह से। और इसे हम चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे चीनी नहीं ली है, चीनी का पाउडर लिया है। तो पिसी हुई चीनी यूज़ करें। सेंधा नमक डाल देंगे इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच। और इसी के साथ हम इसमें नींबू डाल देंगे हाफ। तो हाफ नींबू को इस तरह से स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दें। जितनी हमने चीनी ली है उसका एक चौथाई छोटा चम्मच ही हमें नमक डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाट बनाने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे हमारी 2 मिनट में ही स्वीट पोटैटो की जो चाट है वो तैयार हो गई है। अब हम बना रहे हैं साबूदाना वड़ा। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हम गैस को ऑन करके एक पैन में डाल देंगे आधा कप कच्ची मूंगफली। मूंगफली को हमें रोस्ट करना है, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो डायरेक्ट इसे पैन में डाल के इस तरह से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। गैस को मीडियम या फिर लो टू मीडियम रखें। और इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी जो स्किन है वो फटने लगती है, चटकने लगती है। इतना ही हमें रोस्ट करना है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। इसे हम ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा जब ये हो जाएगा तो जो इसकी स्किन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो पहले रोस्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद ठंडे होने के बाद ही इसकी जो स्किन है वो ईजिली रिमूव हो जाएगी। तो इसका ये छिलका सारा निकाल दें। और यहाँ पे मैंने मूंगफली का छिलका निकाल के, छिलका हटा के सिर्फ मूंगफली ले ली है। इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हमें दरदरा पीसना है, इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसे दरदरा पीस लेंगे। तो पल्स पे मिक्सी चलाएं और ये हमारा दरदरा इसका जो पाउडर है पीस के तैयार हो जाएगा। साबूदाना का वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप साबूदाना ले लिया है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद इसका पानी निकाल दें, 4 से 5 घंटे ही भिगोएं। फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। पानी अच्छे से निकालने के बाद ही इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करें। तो साबूदाना में हमने इसमें आलू डाल दिया है 3 मीडियम साइज़ के। 1/4 कप फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और 2 हरी मिर्च डाल दें या फिर अपने स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं वो ना डालें। इसी के साथ हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैंने इसमें मूंगफली का जो बुरादा हमने बनाया है वो नहीं डाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिक होता है, चिपकता है हाथों में। तो पहले मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाद में हम इसमें डाल देंगे ये रोस्टेड पीनट पाउडर। तो जो हमने मूंगफली का पाउडर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर देंगे, फिर इसके हम वड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो पहले मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अपने हाथों को पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो जितना भी हमारा ये चिपका हुआ मिक्सचर था वो हट गया है। अब इसके वड़ा बनाएं। जब भी ये आपके हाथों में चिपके तो हाथों को धो के ही बनाएं। जब आप हाथों को क्लीन करके बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसे आप एक टिक्की की शेप दे दें इस तरह से। ये देखिए ये कितना आसानी से बन गया है। तो हमारा ये जो वड़ा है फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल हमारा अच्छे से गर्म है तो हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है वो डाल देती हूँ। जैसे ही ये फ्लोट होकर ऊपर आएगा तो आप समझ जाएं कि आपका जो ये तेल है वो अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है ऊपर आ गया है। अब हम इसमें वड़ा डालना शुरू करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली डालें वड़ा को। तो जो मूंगफली का हमने बुरादा यूज़ किया है उसे डालना बहुत ज़रूरी है, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पे हमारे जो वड़ा है अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। जब ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसे आप बाहर निकाल लें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना इन्हें फ्राई करें, नहीं तो ये अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो गैस को मीडियम कर सकते हैं आप, तब इन्हें अच्छे से फ्राई करें। और यहाँ पे हमारे जो चारों वड़ा हैं वो फ्राई हो गए हैं।
तो वड़ा हमारे रेडी हैं। अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए आपको हरा धनिया चाहिए होगा, तो हरा धनिया को अच्छे से वॉश कर लें। मैंने यहाँ पे आधा कप हरा धनिया लिया है। दो हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, या फिर अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालें। और एक छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, तो वही सेंधा नमक डाल लें इसमें। और ज़रा सा पानी डाल दें, आप चाहें तो थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। इसे अच्छे से हम बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे इस तरह से। चटनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये चटनी वड़ा के साथ बहुत टेस्टी लगती है, तो चटनी ज़रूर बनाएं। अब हम बना लेंगे फ्रूट रायता। फ्रूट रायता बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक कप दही। ये स्वीट रायता हम मीठा बना रहे हैं, तो हम खट्टी दही नहीं लेंगे। अगर आप नमक वाला बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत खट्टी होगी तो चल जाएगा। तो दही को हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे इस तरह से। तो दही को अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसे फेंटने से ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। मैंने यहाँ पे ये जो दही ली है वो बहुत ज़्यादा थिक वाली दही है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अगर आपकी दही ऑलरेडी पतली है तो ना डालें। तो मैंने एक चौथाई कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से पहले दही में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने फल डाल देंगे, तो मनपसंद के अपने फल डालते, जैसे मैंने सेब लिया है, बनाना लिया है और साथ ही मैंने अनार भी लिया है। इन तीनों फलों को हम एक साथ ही डाल देते हैं। आप अपने पसंद से फल ले सकते हैं। फलों को थोड़ा पतला ही स्लाइस करके काटें। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं इसे और मीठा बनाने के लिए। ये ऐसे ही अच्छे लगेंगे क्योंकि फल ऑलरेडी मीठे होते हैं। और ये फ्रूट रायता आप दिन के समय में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही एनर्जी देगा आपको फास्ट में। तो रायता भी तैयार है। सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया है। तो सिंघाड़े का आपको कोई भी ब्रांड का पैकेट ईजिली मिल जाएगा। तो सिंघाड़ा के आटा 500 ग्राम है, तो उसके हिसाब से हम तीन स्मॉल साइज़ के आलू डालेंगे। तो तीन छोटे आलू डालेंगे। पहले मैं इसमें सिर्फ दो ही आलू डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें आलू डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे, तो आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल दें और इसे हम अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आलू को, नमक को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लें आपस में। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है एक और आलू की, जो जो मैंने आलू बचा के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। उसे भी हम मैश करके डाल देते हैं इस तरह से। 500 ग्राम आटा के लिए तीन छोटे साइज़ के आलू काफ़ी हैं। तो इसमें मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हमें पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं स्प्रिंकल करते हुए पानी को डालें। इसमें बहुत ही कम पानी डलता है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आटा एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही हल्का हल्का करके इसमें पानी डालें और इसे इस तरह से मिक्स करते रहें, इसे बाइंड करते रहें। ये गूंदता तो नहीं है, बस आपको इसे बाइंड करना है। तो आप हल्का हल्का करके ये डालें इस तरह से, बहुत ही सावधानी से डालें। आलू हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो सके, इसकी पूड़ी या रोटी बन सके, नहीं तो ये बाइंड ही नहीं होता है, ये इतना डेलिकेटेड होता है। तो हमने आटा को अच्छे से नीड कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम अब पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो आटा हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे सकते हैं। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो मैंने एक चकला, बाकी यहाँ पर घी लिया है, घी या ऑयल ले लें। और ये हमारा डो जो हमने तैयार किया है। और एक हम प्लास्टिक शीट ले लेंगे, इसकी जगह पे आपके पास बटर पेपर है तो वो भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हाथों पे अप्लाई करेंगे घी ताकि हमारे जो हाथ हैं वो चिकने हो जाएं और ये डो बिल्कुल ना चिपके। और पूरी जितना हम एक आटा ले लेंगे और इसे पहले हाथों पर इस तरह से सॉफ्ट करेंगे। तो पहले इसे सॉफ्ट कर लें, स्मूथ कर लें बिल्कुल। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो हल्का सा इस पर फ्लैट कर दें हाथों पर ही। फिर हम इस प्लास्टिक शीट पे रख के इस पे घी लगा देंगे। तो घी ज़रूर लगाएं इस पर इस तरह से ताकि ये चिपके ना प्लास्टिक शीट पर भी। अब हमें इसे रोल करना है, तो शीट को ऊपर रख के ही इसे इस तरह से रोल करें। आपको शीट को रोटेट करना है, डो को नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से इस ट्रिक को फॉलो करें, आपकी सिंघाड़े की पूड़ियाँ अच्छी बन जाएंगी और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये रोल करना है। तो इस प्लास्टिक शीट की वजह से ये जो डो है या ये जो पूड़ी है हमारी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी कहीं पे भी और बहुत ही आसानी से और सफाई के साथ बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये इवनली मैंने इसे रोल कर लिया है। ये देखिए एक पूड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमेशा इसी ट्रिक को फॉलो करें सिंघाड़े की पूड़ी बनाने के लिए। तो जो वड़ा वाला तेल था उसी में मैंने इसे फ्राई कर लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो तभी पूड़ी को डालें।
इस तरह से हम इसे तल लेंगे। तो अच्छे से पलटते हुए तल लें इसे। आप चाहें तो इसे, अगर तलना नहीं चाहते हैं तो इसे आप तवे पर डाल के इस पर घी लगा के सेक भी सकते हैं। और यहाँ पे हमारी एक पूड़ी तैयार हो गई है सिककर। दूसरी पूड़ी को भी इसी तरह से हम तल लेंगे। तो देखा आपने सिंघाड़े की पूड़ी बनाना कितना आसान है। बहुत से लोगों को डर लगता है कि सिंघाड़े की पूड़ी तो बनती ही नहीं है, तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी ईजिली पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो दूसरी पूड़ी भी तैयार हो गई है, अब हम लगाएंगे अपनी थाली। यहाँ पे ये हमारे चावल तैयार हैं, सब्जी तैयार है, फ्रूट वाला रायता तैयार है, चटनी भी तैयार है, और मुँह को चटपटा कर देने वाली शकरकंद की चाट, और हमारे ये वड़ा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और हमारी सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। तो ये लीजिए, हमारी सात्विक थाली बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की नवरात्र स्पेशल थाली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।